बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय फूडी एल्बम 741। अल्लाह ताला से दुआ है आप सब लोग अपने घरों में खैरियत से हो, आमीन। आइए इस दुआ के साथ आज की वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं। आज हमें शॉपिंग पे जाना है, तो हमने रात को तैयारी करके रख ली थी कि कोई ऐसा वन पॉट मील बनाया जाए कि जो टाइम कम से कम हमारे पास सेव हो। तो हमने रात को काफ़ी कुछ प्रिपरेशन करके रख ली थी। ये हमने बनाया था शोला। आई होप कि आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने इसको एंजॉय किया हो, उसकी रेसिपी भी आप सबको पता होगी। ये हलीम या दलीम जिसको बोलते हैं, उसे कज़न सिस्टर समझ लें आप। इसका टेस्ट बिल्कुल हलीम जैसा ही होता है और थोड़े से इंग्रेडिएंट्स में फ़र्क होता है, बाकी इसका तकरीबन प्रोसीजर भी वैसे ही होता है। अगर आप लोगों की कोई इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए है, आप कोई रेसिपी चाहिए इसकी, तो कमेंट्स बॉक्स में हमें बता दीजिएगा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसकी रेसिपी बता देंगे। ओके, आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। इस थोड़ी सी चेंज ये होता है कि इसमें पालक और हरी मूँग की जो छिलकों वाली दाल होती है ना, वो डलती है, कीमे के साथ बनता है ये। सो आज हमें शॉपिंग पर जाना था, तो चलें जी शॉपिंग पे चलते हैं। तो हमने रात को शोला जो था ना, तकरीबन 75% हमने डन कर लिया था कि हमें डिनर में ये काम आ जाएगा, और सुबह बस घर के कामों से फारग होके और नाश्ता वगैरह करके हम लोग चले गए थे। तो ये हम मॉल पहुंच चुके हैं, बहुत खूबसूरत, बहुत ह्यूज मॉल है, बहुत ब्यूटीफुल है। और आज वेदर भी बहुत अच्छा था, पार्शली क्लाउडी था, सो बहुत अच्छा लग रहा था कि इधर धूप है, इधर इतने डार्क क्लाउड्स हैं, तो बहुत अच्छा वेदर था। सो हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। सो आपको भी दिखाते हैं कि ये मॉल कैसा है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत है, और यहाँ पे इम्पोर्टेड आइटम्स भी आपको मिलेंगे। वैसे ज़्यादातर ये लोग अपने जो लोकल ब्रांड्स हैं उनको प्रेफर करते हैं, ये ज़्यादातर अपने लोकल ब्रांड्स को प्रायोरिटी देते हैं। इन लोगों में ये चीज़ है ही नहीं कि इम्पोर्टेड हो, इम्पोर्टेड हो, इम्पोर्टेड हो, नेवर नेवर। हमने कभी भी किसी को ना ये पूछते हुए कहीं नहीं देखा, या सर्च करते हुए नहीं देखा, या बात करते हुए नहीं सुना कि कोई कह रहा नो 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 नो, आई डोंट लाइक इट, आई वांट अ इम्पोर्टेड, आई वांट अ इम्पोर्टेड। नो, कोई भी ऐसा नहीं कहता। ये लोग प्रेफर करते हैं अपनी लोकल प्रोडक्ट्स को ना, और इनकी लोकल प्रोडक्ट्स होती भी बहुत अच्छी हैं, नो डाउट। ये इनका मावी ब्रांड्स है, ठीक है, और एलसी वॉकिंग है, ये इनके बड़े ज़बरदस्त और बहुत रिनाउंड ब्रांड्स हैं इनके। अच्छा, क्रॉकरी इनकी बहुत ज़बरदस्त होती है, मुझे तो आई लव क्रॉकरी, तो इतनी एक्सप्लोर करती हूँ उनकी ये क्रॉकरी की शॉप्स बहुत ज़्यादा। आप हमारी मोस्टली वीडियोज़ में देखते होंगे, एक मुझे होम एसेसरीज और प्लांट्स और ये जो है क्रॉकरी डेकोरेशन पीसेस, ये मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं। सो मैं इनको ज़रूर विज़िट करती हूँ। ये इनका होम स्टोर है बहुत अच्छा, और साथ क्रॉकरी भी है, बहुत ज़बरदस्त ये यहाँ पे चीज़ें थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। उनकी बेड शीट्स, इनके कर्टन्स बहुत अच्छे होते हैं, कर्टन, और ज़्यादातर ये लोग वाइट कर्टन यूज़ करते हैं। इनके टेबल क्लॉथ्स बड़े खूबसूरत होते हैं, सब में लेसेस लगी हुई होती हैं, कर्टन्स में भी लेसेस होते हैं। ये लोग अपने घर बहुत अच्छे डेकोर करते हैं, इनका डेकोर बड़ा ज़बरदस्त लगता है, मुझे तो बहुत पसंद आती हैं इनकी ये बालकनीज, इनको इतना अच्छा डेकोर करते हैं, उसका इतना अच्छा यूटिलाइज़ करते हैं, बहुत खूबसूरत इंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को, बहुत खूबसूरत बनाते हैं। और मुझे इनकी क्रॉकरी बहुत अच्छी लगी थी, बहुत अच्छी क्रॉकरी थी, हमने बाय भी करी है, और आप लोगों के साथ इससे पहले वाली वीडियोस जो हैं उसमें शेयर भी किए हैं। ये भी इनका बहुत अच्छा स्टोर है, बहुत खूबसूरत मॉल है, यहाँ बड़ी ह्यूज वैरायटी है, बहुत इनॉर्मस शॉप्स हैं, ज्वेलरी क्रॉकरी सब देखें, क्रॉकरी देखें, बहुत खूबसूरत है, आई लव इट। बट घर में जगह भी तो इंसान बाय तो कर ले, उसके रखने के लिए जगह भी तो, दिल तो चाहता ये भी ले लें, ये भी ले लें, बहुत अच्छी, मगर माशाल्लाह बहुत अच्छी इनकी प्रोडक्ट्स होती हैं, मुझे तो बहुत अच्छी लगी हैं। सो आप लोग भी इसको देखें, इंजॉय करें, और मुझे क्रॉकरी इसने भी इंस्पायर करती है कि बड़े ज़रा प्रेजेंटेशन अच्छी होती है, उससे अट्रैक्ट करती है। ये देखें, ये इनका बड़ा रेनाउंड वो है ब्रांड एलसी वॉकिंग, ये उसका स्टोर है। यहाँ से भी हमने कुछ कपड़े वगैरह बाय किए थे, आई थिंक जीन्स ली थी, स्वेटर लिया था, और वो शर्ट ली थी, दो शर्ट्स ली थी, हाँ ये हमने यहाँ से बाय किया था। बहुत इनका रेनाउंड ये एलसी वॉकिंग जो है ब्रांड है, इनके क्रॉकरी भी होती है, होम
एसेसरीज भी होती हैं, क्लोथ्स भी होते हैं। तो ये बहुत बड़ा, बहुत ज़बरदस्त स्टोर है। ये फर्नीचर की शॉप है, यहाँ पे काफ़ी फर्नीचर भी था। मतलब हमारे यहाँ जैसे फर्नीचर मार्केट अलग होती है ना, इनके अलग तो होती है, मगर इन जो इतने बड़े बड़े मॉल्स हैं ना, इनमें फर्नीचर भी आपको मिलेगा, मिरर्स भी मिलेंगे, मतलब होम डेकोरेशन से रिलेटेड हर चीज़ मिलेगी। हमारे यहाँ तो फर्नीचर नहीं होता ना मॉल्स में, इनके यहाँ होता है, फर्नीचर भी होता है, बेडशीट्स वगैरह, इट्स जितनी भी मतलब होम एसेसरीज है ना, वो सब मिलेंगी आपको। आपको बस सिर्फ आई थिंक सैनिटरी नहीं होती, जो मॉल्स हैं ना इनमें सैनिटरी नहीं होती, बाकी सब आपको फर्नीचर वगैरह सब मिलेगा। देखें इतना अच्छा अच्छा फर्नीचर है यहाँ पे, बहुत खूबसूरत शॉप है। सो हमारे यहाँ जैसे ऐसे पाकिस्तान में नहीं होता कि फ़र्नीचर नहीं मिलेगा आपको, फ़र्नीचर की शॉप्स अलग होती हैं, उनके मॉल्स अलग होते हैं, नहीं यहाँ पे ऐसा नहीं है। सो अब हमने शॉपिंग कर ली है, अब हम लोगों को भूख लगी है, तो हम जा रहे हैं लंच करने। ये हमने बर्गर किंग का लंच इंजॉय किया है, बर्गर्स मंगाए हैं और सॉफ्ट ड्रिंक है, फिर उसके बाद हमने टी भी इंजॉय करी, तो धूप भी काफ़ी निकल आई है। हमने लंच इंजॉय करने के बाद अब हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं। आप लोगों की कोई क्यूरी हो